हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू TVS स्टार सिटी प्लस का BS6 मॉडल, जो कि फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास अभी न्यू ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम के साथ प्रेजेंट है। काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स का यहां पे कंपनी ने यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूं कि क्या आपको इस बाइक को परचेस करना चाहिए या नहीं। अगर आप 110cc सेगमेंट में एक बाइक लेने का सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स, इस बाइक का जो है वो प्राइसिंग वगैरह आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ, और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है या नहीं वो भी बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि आप जानते हैं पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी अभी हाई चले गए हैं, तो ऐसे में लोग जो है वो ज़्यादातर अभी लोअर सीसी सेगमेंट्स के तरफ मूव कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था इस बाइक के रिव्यू के रिगार्डिंग, तो चलिए आपको हम इसका रिव्यू देते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोई भी आपकी बाइक अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड से बाइक को देख रहे हैं, और लुक्स के मामले में अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम फ्रंट में लेकर चलते हैं। तो फ्रंट में आपको यहाँ पर पूरा ही बिल्कुल ही न्यू लाइटिंग सेटअप मिल रहा है। इस बार यहाँ पे TVS का लोगो आपको मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक में। फ्रेंड्स, आपको वाइज़र कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको जो है वो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे 3D में लोगो मिल रहा है, और ये स्टिकर्स जो है ये रेड वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में कंपनी आपको ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे दोनों साइड में आपको स्टिकर्स मिल जाता है। लाइट्स आपको LED में मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे स्प्लिट में आपको कंपनी लाइट्स प्रोवाइड कर देती है। और ये फ्रेंड्स 110cc सेगमेंट में आप बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आप बोल सकते हैं बेस्ट लुकिंग लाइट्स है, क्योंकि LED में लाइट्स 110cc सेगमेंट में आपको फ्रेंड्स मिलता नहीं है। ज़्यादातर बाइक्स यहाँ पे हेलोजन में ही ऑफर करती है, बट आपको यहाँ फुल्ली LED लाइट का सेटअप मिल रहा है, हाई बीम लो बीम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको ग्लॉसी में जो है वो आपको फेंडर मिल जाता है फ्रंट का, और कंपनी यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, जो कि फ्रेंड्स जिसमें आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिलेगा। अभी हमारे पास ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट प्रेजेंट है। अगर बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में तो फ्रेंड्स, ये 82,000 रुपीज़ से लेकर 84,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में ऑन रोड देखने को मिलेगा। तो प्राइसिंग के हिसाब से फीचर्स और लुक्स काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। टायर्स की बात करते हैं तो TVS का आपको टायर मिलता है, जो कि 17 इंच के अलॉय व्हील पर माउंट रहने वाला है। 2.75 का आपको टायर मिल जाता है फ्रंट में, और 5 स्पोक अलॉय व्हील्स आपको मिलता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कंपनी जो है वो मतलब 110cc का इंजन प्रोवाइड करती है, जो कि 8 BHP के अप्रॉक्स में पावर और 8 Nm के अप्रॉक्स में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 4-स्पीड गियरबॉक्स का आपको सेटअप मिल जाता है। ETFI की बैजिंग मिल जाती है इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन की, क्योंकि फ्रेंड्स अब इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल्ड इंजन कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि देखा जाए फ्रेंड्स तो अब सभी बाइक जो है वो ज़्यादातर फ्यूल इंजेक्शन में कन्वर्ट हो गई है, तो इसे भी कंपनी ने यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको स्टार सिटी प्लस की बैजिंग मिल जाती है, जो कि 3D में है, और फ्रेंड्स यहाँ पे सिल्वर कलर में है। थोड़ा सा मेश टाइप का डिज़ाइन मिल जाता है। सीट आपको फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी डुअल टोन में प्रोवाइड करती है, ब्लैक और ग्रे का यूज़ किया गया है। और ये कुशनिंग काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है, और फ्रेंड्स लेंथ भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो ईजिली फ्रेंड्स पिलियन के लिए भी कम्फर्टेबल है, और राइडर के लिए दोनों के लिए ही। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कवर्ड में कंपनी चेन प्रोवाइड करती है, और स्प्रिंग फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो आपको शॉक एब्जॉर्बर से यहाँ पे आपको मिल जाता है, और ये एडजस्टेबल रहने वाला है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कंपनी आपको कवर्ड में चेन प्रोवाइड करती है, जिससे कि इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम रहने वाला है। और इसमें फ्रेंड्स आपको जो रेयर का टायर है वो भी 17 इंच का ही मिलता है, बट इसका फ्रंट जो सेक्शन है वो 3.0 का है, और सेम 5 स्पोक अलॉय व्हील्स आपको मिल जाता है। तो चेन कवर्ड है तो मेंटेनेंस काफ़ी कम रहने वाला है इस बाइक में। और इसमें आपको फ्रेंड्स साड़ी गार्ड मिल जाता है, पिलियन के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है, लेडी का फुटरेस्ट भी आपको इंस्टॉल करके दिया जाएगा, अभी लगा हुआ नहीं है। ग्राफिक्स आप देख सकते हैं यहाँ का भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ग्रैब हैंडल्स आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में कंपनी प्रोवाइड करती है, और TVS का यहाँ पर फ्रेंड्स लोगो मिल जाता है। बल्ब में आपको टेल लाइट्स कंपनी प्रोवाइड कर देती है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं साइड से फ्रेंड्स, तो साइड से काफ़ी अच्छा लुक आपको मिल रहा है। पीछे में बल्ब में आपको टेल लाइट और रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे मिल जाता है आपको। इस साइड से अभी हम चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो राइट हैंड साइड से अभी आप बाइक को देख रहे हैं, राइट हैंड साइड से काफ़ी अच्छा लुक्स आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन की आपको इको थ्रस्ट का बैजिंग मिल जाता है, और क्रोम प्लेटेड एग्जॉस्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। किक मिल जाता है इस साइड में, और यहाँ भी आपको ETFI की बैजिंग मिल जाती है। कैथलेटिक कन्वर्टर में आपको गार्ड मिल जाता है, और साइड लुक कुछ ऐसा आता है। टैंक काफ़ी मस्कुलर आपको मिल जाता है इस बाइक में। मैं आपको टैंक दिखा देता हूँ। टैंक आप देख सकते हैं काफ़ी मस्कुलर आपको टैंक मिल जा रहा है इसमें, और फ्यूल फिलिंग ऑप्शन यहाँ पे है। एनालॉग प्लस डिजिटल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल जाता है मीटर में, जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एनालॉग में जो है ये मिल जाता है। स्पीड इंडिकेटर यहाँ छोटा सा एक स्क्रीन आपको मिलता है, यहाँ इंडिकेटर्स इंजन माल फंक्शन लाइट वगैरह मिल जाता है। इको इंडिकेटर है,
स्विच की जो स्विच वगैरह की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कंपनी ने यूज़ किया है, मतलब लो मार्केट फील आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। हॉर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम और पास यहाँ पे मिलता है। 110 सीसी सेगमेंट में कंपनी पास भी प्रोवाइड कर रही है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है। और पहले के कंपेरिजन में फ्रेंड्स यहाँ पे स्विच की क्वालिटी वगैरह इंप्रूव हो गई है और लीवर्स की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो कुछ ऐसे फीचर्स आपको मिल रहे हैं फ्रेंड्स इस बाइक में, मैंने पूरा एक आपको वॉक राउंड दे दिया है, तो आप बताएं फ्रेंड्स कि आप इस बाइक को कंसीडर करेंगे या नहीं 82,000 से 84,000 रुपीस के आसपास में। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज 65 से 70 के अप्रॉक्स में आपको दे देगा अच्छे से मेंटेन करेंगे तो ये भी फ्रेंड्स 110 सीसी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।